हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी बजे हैं 10:30 रात के और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। आज है ट्यूसडे शाम और मैं आज चर्चा करने वाला हूँ आप सभी के साथ में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, कमोडिटीज के अंदर में एक तेजी आ रही है। तो मैंने कुछ दिन पहले चांदी के ऊपर में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो मैं उसको वापस से रिविजिट करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, स्टॉकेज का नया वर्जन लॉन्च हुआ है, तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ में इस नए वर्जन से आप क्या कमाल कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ में चर्चा करूँ। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं टालूंगा, बट डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। वैसे आपको दिख रहा होगा मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है आज, क्योंकि मैं हूँ मुंबई में और यहाँ ऑब्वियसली मेरा घर है। तो महीने में एक बार मुंबई आता हूँ, क्योंकि मुंबई में ऑफिस भी है अंधेरी के अंदर में, अंधेरी ईस्ट में, और रहता हूँ मैं गोरेगांव में। इसकी भी एक कहानी है। बहुत साल पहले जब मैंने अपना करियर मुंबई में चालू किया था, जेएम फाइनेंशियल्स के अंदर में, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने अपनी स्टोरी शेयर भी की थी। तो प्रभात भैया, जिनके बारे में मैंने बताया भी था अपने अपने ट्वीट के अंदर में, तो जब मैं यहाँ रहता था तो प्रभात भैया ने मुझे फोर्स करके एक घर बुक करवा दिया था, जो कि ईएमआई के दौरान वो चलता रहा चलता रहा। और फॉर्चुनेटली ये घर जो है वो यहाँ पर है पिछले 15-20 साल से, पिछले 15 साल से ये घर है। एंड यू नो, जब भी मौका मिलता है बॉम्बे में आता हूँ और इस घर में रहता हूँ। और दो फायदे होते हैं, एक तो पीस है काफी, समय मिल जाता है कि मैं अपने आप से बात कर सकूँ, और दूसरा बॉम्बे में बहुत लोग हैं जिनसे मिलना होता है तो मैं मिल पाता हूँ। तो चलते मार्केट की बात करते हैं और देखते हैं कि नया वर्जन जो स्टॉकेज का है ना, इसमें क्या अच्छा है और आप इसको कैसे अपने एज के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और सीधा चर्चा करते हैं, मार्केट का चर्चा करते हैं, पर्टिकुलरली कमोडिटीज की चर्चा जो मैं करना चाह रहा था वो करते हैं। तो अगर आपने संडे का वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि देखिए, यील्ड कर्व जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फाइनेंशियल सिस्टम का ग्लोबली। और यूएस का अगर यील्ड कर्व देखेंगे तो लास्ट वीकेंड में ये ऊपर का ट्रेंड इसने पकड़ा था, अभी लास्ट 2 दिन से ये हल्का सा वापस से कूल डाउन हुआ है, बट अपेरेंटली चार्ट स्ट्रक्चर देख के तो लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है वो नीचे इमिडिएटली नहीं जाएगा। डेफिनेटली ये ट्रेंड या तो यहाँ रहेगा या ऊपर की तरफ ही लग रहा है। तो अगर यील्ड कब ऊपर जाता है, इन्फ्लेशन के कारण ऊपर जाता है, तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटीज पे भी आता है। तो अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा चांदी पे, तो चांदी जो है वो लिटरली अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे, और यहाँ से और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा चांदी। तो ये लेवल्स देखें अगर हम लोग चांदी का, जबरदस्त लेवल्स है चांदी का। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि चांदी में अगर तेजी खेलनी है तो SIP करिए, बिकॉज एक बार में ले के होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक्चुअली ये व्यू अपना सही जा रहा है, पर आई थिंक ये सही जाएगा। गोल्ड के अंदर में देखिए अगेन कितना जबरदस्त मूवमेंट है गोल्ड के अंदर में, और अगेन अगर आप SIP किए होते गोल्ड में, जो कि मैं काफी साल से बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा हुआ होता। इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो जनरली क्या होता है, जब यील्ड कर्व ऊपर जाते हैं, डॉलर ऊपर जाता है, तो इक्विटी मार्केट के लिए खराब है। तो इक्विटी मार्केट में निफ्टी जो है वो ऊपर के लेवल पे वैसे तेज है, बट ऊपर के लेवल पे एक बार थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और इमर्जिंग मार्केट्स की अगर बात करें तो वो तेजी में है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में कमोडिटीज लेड रैली चल रही है, और देखते हैं ये रैली कब तक चलती है, सस्टेनेबल है कि नहीं है। हमें जो काम करना है वो, जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्कस किया था, इट शुड बी मोर फंडामेंटल ड्रिवन। तो स्टॉकेज जो कि मेरा टूल है उसको मैं यूज करता हूँ हर तरह के एनालिसिस के अंदर में, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं, जैसा कि लास्ट टाइम कहा था कि सेक्टर का एनालिसिस, क्योंकि रिजल्ट सीजन है तो सेक्टर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और आप देखिए सेक्टर्स में अब धीरे धीरे रिजल्ट्स आना चालू हैं, जैसे FMCG के अंदर में एक कंपनी का रिजल्ट आया, कैपिटल गुड्स में एक, अल्कोहल में एक, तो धीरे धीरे करके कंपनीज के रिजल्ट्स आना चालू हुए। FMCG में जो एक कंपनी का रिजल्ट आया है, अगर उसके अंदर चले तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पब्लिश रिजल्ट में, तो ये जो कंपनी है इसका रिजल्ट अच्छा है, तो इसके अंदर चलते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो कौन सी कंपनी है जिसका रिजल्ट आया है। तो वो है क्यूपिड। तो क्यूपिड का अगर रिजल्ट देखें तो क्वार्टर और क्वार्टर 51% ग्रोथ है,
और लास्ट क्वार्टर के आधार पे 57% ग्रोथ है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ। करीबन 3500 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, 63 करोड़ का इसका क्वार्टरली सेल्स आया है, और इसको मैं एनुअल में कन्वर्ट करूं तो तकरीबन 171 करोड़ का सेल्स मार्च एंड के अंदर में आया है ऑन अ पैट ऑफ अराउंड 40 करोड़। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक। इसका अगर ग्रोथ पैटर्न देखें स्टॉक प्राइस का, तो स्टॉक जो है वो पिछले 5 साल में 80% CAGR बढ़ चुका है, वेयर एज सेल्स जो है 14% और एबिटा जो है वो तकरीबन 17%। तो स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ चुका है वीजा वीज द ग्रोथ इच हैज सीन। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और फंडामेंटल अच्छा हो, बट स्टॉक जो है वो ओवरऑल अभी आज के रेट में महंगा है बिकॉज 90 के PE में ट्रेड कर रहा है। तो फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव हमें देखना पड़ेगा कि मोमेंटम इसके अंदर में है क्या, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा है बट अगर मोमेंटम है तभी हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ी लंबी अवधि के लिए देखूं, फंडामेंटली रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल इसमें अभी नहीं है, बट फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव ये स्टॉक में RS जो है वो 0 के ऊपर है, RSI 50 के ऊपर है, तो इट इज नॉट अ बैड स्टॉक फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव डेफिनेटली नॉट अ रीजनेबल वैल्यू स्टॉक। तो अगर मोमेंटम इन्वेस्टर हूं तो मैं कैसे प्ले करता हूँ, क्योंकि ये 129 के हाई के ऊपर चला गया है, तो इट्स अ गुड बाय फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव, बिकॉज हमें पता नहीं है कि फ्यूचर के अंदर में और क्या रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है। ऑल्दो अभी हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे स्टॉक एक्सपेंसिव है, बट पॉसिबली द स्टॉक हैज मोर रूम फॉर ग्रोथ, दैट्स वाई द मोमेंटम इज देयर। सो फ्रॉम अ प्योरली क्वार्टरली रिजल्ट पर्सपेक्टिव इट हैज डन वेल, और क्योंकि इसमें मोमेंटम है तो इसमें हम छोटा सा पोजीशन, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा पोजीशन बना के काम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ रिजल्ट एनालिसिस। देखिए एक एक करके सारे सेक्टर्स में किस किस कंपनी में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस किस सेक्टर में किस कंपनी में क्या रिजल्ट है, उसको हमको एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही आप कोई व्यू बना पाएंगे। वैसे अभी आज के रेट में अगर रिजल्ट्स की बात करें तो फोर्थ कमिंग अगर रिजल्ट्स देखें तो अभी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 12 अप्रैल के बाद ही बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, तो ही अपने को कोई एक व्यू उन कंपनीज के अंदर में बनाना चाहिए। रिगार्डिंग स्टॉकेज का नया वर्जन तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, लेटेस्ट वर्जन तो 4 बड़े एडिशन हमने किया है इस वर्जन 11.5 के अंदर में। सबसे पहला है वीकली टेक्निकल स्कैन। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि टेक्निकल्स के अंदर में कुछ कुछ स्कैन्स में हमने वीकली ऐड किया, जैसे RSI वीकली हमने ऐड किया, जैसे पैराबोलिक SAR में वीकली ऐड किया, जैसे सुपर ट्रेंड में हमने वीकली ऐड किया। तो एक बार RSI वीकली में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक है जो ऊपर के RSI ट्रेंडिंग अप है ऑन अ वीकली बेसिस। तो मैं इसको एंटर करूं तो यहाँ नजर आ जाएगा आपको तेजस, एस्ट्राजेनिका, आरती ड्रग्स, वर्लपूल, ग्लैंड फार्मा, ये सब जो स्टॉक्स है ये वीकली RSI में भी ट्रेंडिंग अप है, मतलब 50 के ऊपर है। आइडियली ये सब स्टॉक्स को कैसे यूज करना है, ये स्कैन्स को कैसे यूज करना है, हम जब कॉम्बिनेशन स्कैन्स पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए वीकली पैरामीटर्स को ऐड करना चाहिए अपने कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग देखने के लिए। तो जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर मैं वीकली में यहाँ पर ऐड करूँ, कॉम्बो ऐड करूँ वीकली, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो लेट्स गो नीचे वीकली और ऐड करते हैं स्कैन्स। तो टेक्निकल में कहाँ पर देखा था अपन लोगों ने, RSI में देखा था, तो वीकली RSI में वीकली RSI ट्रेंडिंग अप, तो इसमें वो स्टॉक दिखा देगा जो वीकली RSI में ट्रेंडिंग अप, बरोबर है। अब सपोज मैं दूसरा वीकली भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सपोज ऑल्दो आइडियली वीकली में एक ही ऐड करना चाहिए, बट सपोज मैं एक और वीकली ऐड करना चाहता हूँ, तो वीकली पैराबोलिक SAR बुलिश रिवर्सल, मतलब वो कौन सा स्टॉक है जो वीकली SAR में बुलिश हो रहा है और RSI ट्रेंडिंग अप है। तो इसमें ये सारे स्टॉक्स आ गए, बलरामपुर चीनी, SBI कैप, स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क। अब आपको यहाँ से फॉलो ऑन अगर होमवर्क करना है तो इनके चार्ट में हम जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इस चार्ट के अंदर में क्या स्टॉक में मोमेंटम है, कि क्या RS 0 के ऊपर है, क्या RSI 50 के ऊपर है। तो अगर आपको दिख रहा है और ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि इस स्टॉक के अंदर में आप
स्विंग ट्रेडिंग कर रहे, तो बलरामपुर चीनी ऑल तो आ रहा है, सिरों के ऊपर नहीं है बट ट्रेंडिंग अप है, तो इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सिमिलरली एसबीआई कार्ड्स, इसके अंदर में देखें अगर हम, तो ये भी आर एस जो है जीरो के नीचे, और लेकिन आर एस आई बहुत ऊपर है, तो प्रॉब्ली फ्रॉम अ प्योर मोमेंटम परस्पेक्टिव स्टॉक के अंदर में स्विंग अप है, लेकिन क्योंकि आर एस जो है वो जीरो के नीचे है तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। सिमिलरली तेजस नेटवर्क, अगर मैं इसको देखूं फ्रॉम अ प्योरली चार्ट परस्पेक्टिव, तो यहाँ पर ये वीकली आर एस आई हमारा 50 के ऊपर था, यहाँ आर एस पी जीरो के नीचे है, आर एस आई स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारे स्टॉक्स के अंदर में अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ मेरा जो है वो मुझे स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं इनमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो वीकली कैन बी एडेड एज मल्टीपल कॉम्बिनेशंस इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मार्केट ब्रेथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग हमने ऐड किया है यहाँ पर। अब आपको सेक्टर वाइज जो इंडाइसेस हैं इनके ब्रेथ ओवरऑल क्यूमुलेटिवली दिख जाएंगे, इसका आपको लोकेशन यहाँ मिलेगा जब आप यहाँ पर मार्केट ब्रेथ को स्टडी करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सेक्टर वाइज डिफाइन कर दिया, तो जब भी किसी भी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रीन होता है ना, इसका मतलब ये ओवरबॉट सेक्टर हो चुका है। जैसे निफ्टी मेटल, ये बहुत ज्यादा ग्रीन है, और जो सेक्टर बहुत ज्यादा रेड होगा इसका मतलब वो ओवर सोल्ड सेक्टर हो चुका है। अगर ओवरबॉट सेक्टर होगा ना, तो पॉसिबिलिटीज है कि इसके अंदर में रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अब फेवरेबल नहीं रहा, तो वन कैन लुक एट बुकिंग प्रॉफिट और लॉस इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे निफ्टी मेटल के अंदर में बहुत ज्यादा तेजी है, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है कि आप इसमें और पोजीशन को बिल्ड करें। उसके बाद है इन्वेस्टर एनालिटिक्स, इस पे हमने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, और इसमें अब आपको दिख जाएगा कि कौन से इन्वेस्टर का कितना वैल्यू ऑफ होल्डिंग है। जैसे आर के दबानी जी का इतना है, प्रेम जी ऑफिस का इतना है, राकेश झुनझुनवाला का इतना है, और टॉप परफॉर्मर कौन से स्टॉक है। जब मैं कोई भी इसमें एंट्री में जाता हूं तो राधा कृष्ण दबानी जी का वैल्यू ऑफ होल्डिंग, कितनी कंपनी वो होल्ड करते हैं, हाईएस्ट होल्डिंग किस कंपनी में है, इनका तकरीबन 75% स्टेक है एवरी सुपर स्मार्ट में, इंक्लूडिंग हिज फैमिली मेंबर्स, हिज रिलेटिव, हिज अदर, सबका मिला के इतना स्टेक। यूनाइटेड ब्रिवरीज में इन्होंने स्टेक बढ़ाया, आंध्रा पेपर के अंदर में इन्होंने बल्क डील के अंदर में दिखाया कि इन्होंने स्टेक कम किया है। सबसे ज्यादा स्टेक वो होल्ड करते हैं रिटेलिंग में डिमांड के कारण, लार्ज कैप में 97% होल्ड करते हैं, और बाकी जो डिटेल्स है कि शेयर होल्डिंग में किस किस स्टॉक में कितना होल्डिंग है, की चेंजेस क्या है, इत्यादि इत्यादि सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये वैल्यू एडिशन हमने किया है इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में। ये इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सेक्शन प्रीमियम मेंबर्स के लिए है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को क्लीन करने में, और इसके साथ में इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को सही, जितना सही हो सके उतना सही आपके सामने प्रेजेंट करने में, तो इसीलिए ये प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक के अंदर में जब आप शेयर होल्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी आप देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि रिटेल का शेयर होल्डिंग क्या किसी स्टॉक में बढ़ रहा है। और जब भी रिटेल का शेयर होल्डिंग किसी स्टॉक में बढ़ता है तो वो एक डिजायरेबल सिचुएशन नहीं होती है, इट्स ऑल्सो एन रेड अलर्ट कि हो सकता है कि ये स्टॉक के अंदर में मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा हो। तो कभी भी किसी भी स्टॉक को एनालाइज करें, जैसे एग्जांपल अगर मैं हिंदुस्तान जिंक को एनालाइज करता हूँ, तो यहाँ जब मैं शेयर होल्डिंग में जाता हूँ, व्हेन आई गो टू शेयर होल्डिंग, यहाँ पे पैटर्न के अंदर में या नंबर ऑफ शेयर होल्डर दिखेंगे, तो अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब रिटेल लेवल पे इस स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी। सो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो मार्केट का, एक मोटा मोटी व्यू आपको देने के लिए, और स्टॉकेज का नया वर्जन। मैं तो आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि स्टॉकेज जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बना है, आपके एज के लिए बना है, आपके प्रोग्रेस के लिए बना है। आप जितना इसको यूज करेंगे, जितना हमें सपोर्ट करेंगे इसको सब्सक्राइब करके, उतना हम मोटिवेटेड रहेंगे कि हम कांस्टेंट बेसिस पे, एक जो विजन है हमारा कि हमको रिटेल इन्वेस्टर का ब्लूमबर्ग टर्मिनल बनाना है, हम उस विजन की तरफ प्रॉपरली जा पाएंगे। तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बस हमारे बारे में सोचते रहिए ताकि हम आपके बारे में सोचते रहें। गुड
नाइट, टेक केयर, जय हिंद।